याद है करीब उस वक्त मैं 8वीं में थी। बकायदा गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। 50 दिनों में 25 दिन नानी घर, 25 दिन दादी घर, ये हमारी छुट्टियां रहती थी। तो वैकेशन के तहत हम पहले दादी घर के लिए निकल पड़े, जो कि हमारे छोटे से शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। हम ट्रेन की सफर तैयार कर वहां पहुंचे और दादी में जा लिपटे और आंगन में धमा चौकड़ी मचाने लगे और बड़ों से आशीषें बटोरने लगे। तभी मुझे ख्याल आया अम्मा का। अम्मा जी, जो कि 70 साल की बुढ़िया, सफ़ेद बाल और सफ़ेद साड़ी, जो कि हमारे घर के बगल में एक महलनुमा घर में रहती थी। मैं हमेशा की तरह गई, जाके अम्मा से लिपट गई, लेकिन अम्मा कुछ अस्त व्यस्त दिख रही थी अपने कामों में। तो मैंने काका से पूछा, आज अम्मा को ऐसा क्या हो गया है? तो काका ने कहा, आज अम्मा का बिटवा आया है। मैं सोची, ये कहाँ से हो गया? जब अम्मा पिछले 5 सालों से खून की उल्टियाँ कर रही थी, तब तो कोई नहीं आया। तो मैंने तुनक के कह भी दिया, लगता है कोई हमसे प्यारा भी दुनिया में आ गया है। तो अम्मा थोड़ा मुस्कुराई अपनी पल्लू को संभालते हुए, मेरे हाथ में लड्डू थमा कहती है, मुनिया आज बहुत काम बा, इले लड्डू पड़ा रहल कोने में। फिर मुझे गुस्सा आया, मैं काका की तरफ मुड़ी। काका चीलम भरते हुए कहते हैं, बुढ़िया आज बहुत खुश है। फिर मैं बुढ़िया को देख रही थी, उसकी खुशी को देख रही थी और उसके बनाए हुए ठेकुए को देख रही थी। किस प्यार से वो ठेकुआ बना रही थी। जी, बिहार में हमारे तरफ एक मिठाई है जिसे हम ठेकुआ कहते हैं। फिर मैं गई अम्मा के पास और अम्मा से पूछा कि अम्मा, ये भैया कौन है? तो अम्मा बड़ी खुशी से बोली कि अरे, ये तो बेटवा है जो कि बचपन से बाहर शहर बच्चे को पढ़ाए रहे हैं और अभी तक लौट के ना आया है। सुना है मुंबई में रह रहा है और किसी अमेरिकन फिरंगी से शादी कर लिया है। मैं तभी शायद समझ नहीं पा रही थी अम्मा क्या कहना चाह रही थी। फिर क्या हुआ, घड़ी में 7 बजे अम्मा ने सारी तैयारियां कर रखी थी, ठेकवे बना रखे थे, फिरंगी मैम के लिए अपने पुराने कपड़े निकाल रखे थे। तभी 7 बजे जैसे घड़ी में अम्मा ने काका को इशारा किया बस स्टेशन जाने को। काका गए। इसी बीच मैं अम्मा को निहार रही थी और उनकी खुशियों को निहार रही थी। घड़ी में 9 बजे खट खट खट, एक कुंडी होती है वहां पे। अम्मा ने दरवाजा खोला, सामने काका थे। कहे, भैया नहीं आवे, भैया ने खबर भिजाया है कि अपने बीवी के बहन के शादी में गए हैं, अगर वक्त मिलेगा तो आवेंगे। अम्मा शांत रही, कुछ नहीं बोली, बस जो कपड़े पड़े थे उन्होंने संदूक में रखा, मेरे हाथ में 2 लड्डू थमाई। आज भी याद है, मेरे दोनों हाथ में लड्डू थे। जितने पकवान बने थे उन्होंने दूसरे को घर में भिजवाया और सारी रात बैठ अंगाठी के सामने खुद भी जलती रही, लेकिन अम्मा रोई नहीं। तो मैंने पहले एक इश्क पे कविता लिखी थी अपने मैनेजर से छिपके। फिर मैं जब कैब से आ रही थी उसे डिलीट मारा, अपनी माँ से बात करा और कहा, माँ अम्मा कहाँ है अब, और क्या उसका बेटा कभी आया? तो अम्मा ने, मेरी माँ ने यानी अम्मा ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। थैंक यू।